हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ डीएमआरसी मेंटेनर का पिछले साल का पेपर, जो कि 11 अप्रैल को कंडक्ट किया गया था। इस सेशन में आपको पूरे क्वेश्चन का सल्यूशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले, जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। अगर आप मुझसे टेलीग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चाहे तो उधर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। पर्सनल मोटर इज यूज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ठीक है, आपका जो यूनिवर्सल मोटर है वो कौन सा डोमेस्टिक अप्लायंसेस, आपका जो होम अप्लायंसेस है वो किस में यूज होता है। तो आंसर है दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, जो कि आपका किचन अप्लायंसेस में यूज होता है ज़्यादा। तो यूनिवर्सल मोटर का जो प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत एसी डीसी में वर्क करता है। ठीक है, बहुत एसी और डीसी में वर्क करता है। पहली बात तो ये है, तो कौन सा प्रिंसिपल में चलता है और डीसी मोटर का प्रिंसिपल पर चलता है। ठीक, एसी डीसी में वो वर्क करता है, डीसी मोटर का प्रिंसिपल के हिसाब से वो चलता है। और ये जो है, पहले तो ये स्पीड उसका डीसी मोटर से कम है। डीसी मोटर का प्रिंसिपल में चलता है बट उसका जो स्पीड है डीसी मोटर से कम है। डीसी मोटर से बहुत कम है और एबोव। ठीक है, तो चलते हैं इसके आगे। द रिजल्ट ऑफ लाइट ऑन द सरफेस ऑन व्हिच इट फॉल इज कॉल्ड। ठीक है, इसको जो हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो इल्यूमिनेशन चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादातर यूनिट जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो थोड़ा जो यूनिट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यूनिट के बारे में। पहले तो है फ्लॉक्स, ल्यूमिनस फ्लॉक्स। इसका जो यूनिट है ल्यूमिनस फ्लॉक्स का लुमेन है। ठीक है, तो लुमेन का क्या है? ठीक है, जो लुमेन है, लुमेन इज इक्वल टू कैंडला पावर ठीक है, लुमेन इज इक्वल टू कैंडला पावर इंटू सॉलिड एंगल। ये इसका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। लुमेन इज इक्वल टू कैंडला पावर इंटू सॉलिड एंगल। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, ये दिया गया है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है कैंडला। वन कैंडला इज इक्वल टू 4 पाई लुमेन। इसको भी नोट कर लीजिए, ये 2-3 बार मैं देख चुका हूँ, एग्जाम पे आ चुका है ये। वन कैंडला इज इक्वल टू 4 पाई लुमेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडला, और एक उसका यूनिट है जिसको हम बोलते हैं लुमेन पर स्टेरिडियन। ठीक है, और इसको बोलते हैं लुमेन पर स्टेरिडियन। ठीक है, कैंडला और लुमेन पर स्टेरिडियन उसका यूनिट है। तो वन कैंडला इज इक्वल टू 4 पाई लुमेन। ठीक है, ये है जो इसका फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई ए कॉमन मेथड ऑफ अर्थिंग फ्रॉम ए गिवन ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से सबसे कॉमन मेथड अर्थिंग का कौन सा है? दोस्तों ये जो है अर्थिंग थ्रू द वाटर पाइप। कॉमन मेथड मतलब ज़्यादातर इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर या कुछ इंडस्ट्रियल प्रपोज में ज़्यादातर पाइप जो है वो सॉइल के अंदर बुरेट किया होता है। ठीक है, तो उधर से अर्थिंग करना बहुत ही आसान है। तो कॉमन मेथड जो अर्थिंग है, अर्थिंग फॉर द वाटर पाइप। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो इसमें है उसका जो अर्थ रेजिस्टेंस जो है सब हर वक्त लो रहना ही चाहिए, अर्थिंग रेजिस्टेंस जो लो रहना चाहिए। तो इसके लिए इसका जो प्रॉपर्टीज है, कैसे हम अर्थिंग का रेजिस्टेंस को लो करते हैं, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है आपका। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है, बाय पोरिंग वाटर, मतलब जहाँ पे अर्थिंग है उधर मतलब वाटर देता रहना चाहिए, जिसके जो मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रहेगा वो सॉइल,
तो आपका अर्थिंग रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता रहेगा। दूसरा जो है उसका प्लेट का एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज द प्लेट एरिया, ठीक है, इंक्रीज द प्लेट एरिया। दूसरा जो है मतलब तीन नंबर का जो है वो है इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड का जो रेजिस्टेंस है तो इसमें से भी डिक्रीज हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है जहाँ वो ज़्यादातर रेलवे की प्रॉपर्टी में यूज होता है वो है पैरेलल कनेक्शन, मतलब वो एक अर्थिंग दूसरे अर्थिंग के साथ पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है, यही ज़्यादातर रेलवे प्रपोज में यूज होता है, ठीक है, ज़्यादातर रेलवे की प्रपोज में ये आपका यूज होता है। तो ये जो चार ऑप मैं आपको बता दिया इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बाय पोरिंग वाटर, इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड, कनेक्टिंग मेनी अर्थ इलेक्ट्रोड इन पैरेलल, ये चारों में से ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। मेटल फिलामेंट लैंप कंसिस्ट ऑफ ए मेटलिक वायर आइदर स्ट्रेट और कॉइल व्हिच इज कॉल्ड, दोस्तों आइदर स्ट्रेट और कॉइल जो है मतलब आपका फिलामेंट कुछ इस तरह से रहेगा या ऐसे कॉइल्ड होकर रहेगा, ठीक है, ये किसको है, ये दोस्तों सिंपली है जो फिलामेंट, क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है फिलामेंट। तो फिलामेंट दो तरह का है, इस तरह का जो फिलामेंट है इस फिलामेंट को हम बोलते हैं वैक्यूम टाइप, ठीक है, और कॉयल जो फिलामेंट है इसको हम बोलते हैं गैस फिल टाइप। और तो ये यूज होता है आपका अप टू 25 वाट तक, ठीक है, अप टू 25 वाट तक यूज होता है आपका वैक्यूम टाइप। गैस फिल टाइप वो 40 वाट से लेकर 1500 वाट तक यूज होता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। आपका वैक्यूम टाइप जो है 25 वाट तक यूज होता है और आपका गैस फील्ड टाइप जो है वो 40 से लेके 1500 वाट तक यूज होता है। तो इसके साथ चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइदर गुड कंडक्टर और नॉर गुड इंसुलेटर, ये चारों ऑप्शन में से कौन एक ऐसा चीज़ है जो कि ना तो गुड कंडक्टर है या गुड इंसुलेटर है, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका सेमीकंडक्टर, इसका जो प्रॉपर्टीज है वो आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहता है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी आपका कंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर के बीच में रहता है, ठीक है, मतलब कंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन 0 से लेके 4 तक है, इसका 4 से लेके 8 तक है, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है, ये जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहेगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं सिलिकॉन और जर्मनी, क्योंकि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 4 है। तो सिलिकॉन का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है आपका 0.7, ठीक है, और जर्मनियम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है आपका 0.3, ठीक। और अगर वैलेंस बैंड की बात करें, अगर हम वैलेंस सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच में है, कैसे, कंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो दोनों ओवरलैप्ड है, कुछ इस तरह से आएगा उसका, ठीक है, ऐसे ओवरलैप्ड रहेगा सेमीकंडक्टर, सॉरी कंडक्टर का, ये वाला है आपका कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर का आपका मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों के कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में ये जो बीच का जो गैप है वो मोर देन मतलब 15 EV तक रहेगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर है इन दोनों का बीच मतलब ना ज़्यादा दूर रहेगा ना ज़्यादा पास रहेगा, मतलब लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसका रहेगा सेमीकंडक्टर का कंडक्शन और वैलेंस बैंड का गैप। तो ये जो चीज़ से आप पता चल सकता है कि आपका जो सेमीकंडक्टर है इसका प्रॉपर्टी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो प्रॉपर्टी है वो है आपका सेमीकंडक्टर। तो चलते हैं आगे। टेप आर कोटिंग टूल यूज टू कोट,
ठीक है, जो टैप है ये कटिंग टूल है, किसको कट करने के लिए यूज होता है दोस्तों? ये आपका इंटरनल, मतलब अब ये जो बोल्ट का अंदर का, ठीक है, ये जो अंदर का उसका थ्रेड रहेगा कुछ ये ऐसा, ये थ्रेड को कट करने के लिए आपका यूज होता है आपका टैप। ठीक है, तो टैप जो है वो तीन तरह का है ज़्यादातर। टैप जो है आपका तीन तरह का है, वो है पहला तो है आपका बोल्नोस टैप, ठीक है, एक तो आपका बोल्नोस टैप है, दूसरा है गॉन टैप, ठीक है, तीसरा जो है आपका वो आएगा रोल पंप टैप। ठीक है, पहला तो बोल्नोस टैप, दूसरा आएगा गॉन टैप, तीसरा आएगा रोल पंप टैप। ठीक है, तो इसको मेकिंग करते हैं, इंटरनल थ्रेड मेकिंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। मटेरियल व्हिच आर नॉट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट इज नॉट अ, ठीक है, ये जो दिया गया है ना नॉट स्ट्रॉन्गली, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को डिटेक्ट करने के लिए। नॉट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट तो आपका पारा मैग्नेटिक मटेरियल, आपका तीन चीज है, एक है आपका पारा मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और दूसरा जो है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो ठीक है ये चारों जो ऑप्शन में इधर है। तो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है ये है आपका स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, ठीक है, पारा मैग्नेटिक स्लाइटली अट्रैक्ट, आपका जो डायमैग्नेटिक रहेगा ये जो आएगा, ये जो रहेगा ये रिपेल करेगा, ठीक है, ये रिपेल, रिपेल बाय मैग्नेटिक। इसका जो प्रॉपर्टीज है, मतलब उसका जो परमेबिलिटी है, ये जो तीनों मटेरियल का जो अगर परमेबिलिटी की बात करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो परमेबिलिटी है वो है वेरी हाई, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अगर परमेबिलिटी की बात करेंगे वो आएगा हाई परमेबिलिटी है उसका फेरोमैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक का परमेबिलिटी है स्लाइटली ग्रेटर देन वन, और यूनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है, अगर फिर पैरामैग्नेटिक आएगा स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, तो डायमैग्नेटिक आपका आ जाएगा लेस देन यूनिटी, ठीक है, लेस देन यूनिटी आपका आएगा डायमैग्नेटिक। तो अगर मटेरियल की बात करेंगे कौन सा मटेरियल आपका यूज होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक जिसका है वो मटेरियल यूज होगा, तो फेरोमैग्नेटिक का जो मटेरियल है वो आपका आएगा ज़्यादातर आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, आपका आएगा फेरोमैग्नेटिक का, ये मैं मिटा दे रहा हूँ आप नोट कर लीजिए। ठीक, अगर फेरोमैग्नेटिक का आपका आएगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, पैरामैग्नेटिक का आपका आ जाएगा जो बहुत बार क्वेश्चन में आता है वो है कॉपर, पहले इसलिए मैं कॉपर लिख रहा हूँ, ये जो चीज़ है वो पैरामैग्नेटिक में जाता है, ये बहुत बार एग्जाम पे आता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन भी आता है इसमें, ऑक्सीजन, और एक आपका आ जाएगा मैंगनीज, ठीक है, वो आ जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक में कौन आएगा जिसको मैग्नेट नहीं होता है, वो है आपका जिंक, सिल्वर, जिंक सिल्वर आ जाएगा आपका, ग्राफाइट आ जाएगा इसमें, ठीक है, जिंक सिल्वर ग्राफाइट आ जाएगा, लीड आ जाएगा, मर्क्यूरी भी आएगा, ये जो चीज़ इसमें आएगा बहुत सारे ऐसे चीज़ है, ठीक है, तो ये जो फेरोमैग्नेटिक में आपका आ जाएगा आयरन, कोबाल्ट, निकल, पैरामैग्नेटिक में आपका आ जाएगा कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, मैंगनीज, डायमैग्नेटिक में आएगा जिंक सिल्वर ग्राफाइट लीड एंड मर्क्यूरी, ये जो चीज़ है
आप नोट कर लीजिए, आपका एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं आगे। सॉइल आर यूज फॉर मेंटेनिंग द डैम्पनेस एंड लो रेजिस्टेंस सॉइल अराउंड द अर्थ सरफेस। ठीक है, आपका डैम्पनेस को मेंटेन करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो क्या है? वो ज़्यादातर सॉल्ट, चारकोल एंड वाटर ही यूज होता है। अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए उधर बोल के आया था कि पोरिंग द वाटर। ठीक है, ये जो चीज़ है वो रिपीटेड होता है, आप याद कर लीजिए, आराम से एग्जाम के वक्त आपको याद आ जाएगा। ठीक है, सॉल्ट, चारकोल और वाटर जो अर्थिंग में आपका यूज होता है डैम्पनेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। रेजिस्टर मेड ऑफ ग्राफाइट आर कॉल्ड। ठीक है, जो रेजिस्टर ग्राफाइट में मेड वो होता है, तो ग्राफाइट जो है वो एक कार्बन का कंपोजिशन है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, कार्बन रेजिस्टर। टेपर्ड रेजिस्टर, टेपर्ड रेजिस्टर कुछ आपका इस तरह से होगा, ऐसे टेपिंग हुआ होगा, एक एक स्पेसिफाई रेजिस्टेंस वैल्यू के ऊपर में ऐसे टेपिंग किया होगा। एडजस्टेबल रेजिस्टर जो है वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको हम वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, फिक्स वैल्यू रजिस्टर, उसका तो रेजिस्टेंस जो होगा फिक्स रहेगा। ठीक है, और जो रजिस्टर है वो एक है पैसिव कंपोनेंट। ये जो चीज़ आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन पे ऑप्शन पे डाला होगा कि रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ऑल ऑफ द अबव, इसमें से पैसिव कंपोनेंट कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बहुत कन्फ्यूज कर सकते हैं, आप इधर रजिस्टर क्लिक करके आ जाएंगे और ये जो है गलत आंसर है आपका, तीनों के तीनों, मतलब रेजिस्टर, कैपेसिटर और आपका जो इंडक्टर, ये तीनों के तीनों है आपका पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ए कंडक्टर हैविंग द सेवरल टोन कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्शन होता है तो कॉइल, उसका जो आंसर है कॉइल, जिसको हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ठीक, कॉइल साइड, कोयल साइड क्या है? ये जो कोयल साइड है ना, ये वाला पोर्सन हर वक्त स्लॉट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो कोयल का जो पोर्सन जो स्लॉट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, कोयल का जो पोर्सन हर वक्त स्लॉट में प्रेजेंट बोल रहता है, इसको हम किसको बोलते हैं? कोयल ग्रुप जो है वो है ग्रुप ऑफ मैनी टोन व्हिच फॉर्म टू पोल। ठीक है, जो कोयल ग्रुप है मतलब बहुत सारे टोन का एक ग्रुप बनेगा और वो दो पोल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑफ ए लीड एसिड बैटरी। ठीक है, ये जो चारों में से सबका डिफेक्ट क्या हो सकता है लीड एसिड बैटरी का, वो ज़्यादातर होता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोड है उसका बीच में आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट अगर वीक हो जाएगा आपका, एक चीज़ याद रखिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट आपका वीक हो जाएगा तो ज़्यादातर आपका इलेक्ट्रोड जो है उसका दो इलेक्ट्रोड शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बहुत है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसलिए हम हर वक्त इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको हम मेजर करता रहना चाहिए कि उसका कंडीशन कैसा। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंडीशन मतलब उसका जो चार्जिंग कंडीशन चेक करने के लिए जो मेथड है, ये वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रोलाइट का चार्जिंग कंडीशन को मेजर करता है। ठीक है, इसी चार्जिंग कंडीशन को मेजर करता है आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो इसका तीन कंडीशन है, मतलब उसका जो तीन कंडीशन है, एक है फुल चार्ज, डिस्चार्ज और हाफ चार्ज। ठीक है, एक है आपका फुल चार्ज और एक है आपका हाफ चार्ज और एक है आपका डिस्चार्ज, इसका तीन कंडीशन है। तो फुल चार्ज का उसका जो वैल्यू क्या है, कितने से कितना रहना चाहिए? फुल चार्ज का वैल्यू है 1.26 से लेकर 1.28 तक होना चाहिए। ठीक है, फुल चार्ज मतलब चार्ज का जो जो वैल्यू वो है 1.15 से लेकर 1.18 तक रहना चाहिए डिस्चार्ज का वैल्यू। जो डिस्चार्ज का जो ईएमएफ है वो आपका आ जाएगा 1.8 वोल्ट। ठीक है, जहाँ आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, और जो हाफ चार्ज है वही दिनों के बीच में रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हाँ, और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपका लीड एसिड जो बैटरी है, लीड एसिड बैटरी का आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होता है? आपका इधर यूज होता है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 इसमें यूज होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे।
देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं पहले डिस्कशन करके आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम पर आता रहता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। द टू एलिमेंट आर एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए ट्रांजिस्टर आर, मतलब ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चीज़ चाहिए वो आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल चाहिए। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल हम दो ही यूज करते हैं, एक है आपका जर्मानियम, दूसरा है सिलिकॉन, इसको हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर के मटेरियल के तौर में। तो जर्मानियम सिलिकॉन का और जिसका आउटर मोस्ट वैलेंस है 4, जो चाहिए हमको सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रॉपर्टी होने के लिए, इसलिए हम यूज करते हैं। जर्मानियम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन के साथ साथ रिपीट कर रहा है। चारकोल एंड सॉल्ट मिक्सचर शुड बी फिल्ड अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड टू एंश्योर, ठीक है, इफेक्टिव वर्किंग। पहले जो क्वेश्चन है पूछ के गया था आपको, जो डार्कनेस मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ यूज होता है, उधर आपका आंसर था चारकोल सॉल्ट, ठीक है। इधर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, चारकोल सॉल्ट अगर हम अर्थिंग में यूज करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इफेक्टिव अर्थिंग में होता है, जो डार्कनेस मेंटेन करने से आपका जो अर्थिंग गुड अर्थिंग होता है, ठीक है, अर्थिंग रेजिस्टेंस वो मेंटेन होकर रहता है, ठीक है। चलते हैं आगे, द स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर का स्पीड कैसे होना चाहिए, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि अगर सिंक्रोनस मोटर का स्पीड थोड़ा सा ही वेरिएशन होता है, अगर सिंक्रोनस मोटर का स्पीड का अगर थोड़ा सा ही वेरिएशन होता है तो उधर आपका रोटर स्पीड जो है वो आ जाता है, मतलब आपका स्लिप इधर प्रोड्यूस होता है। एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस, ठीक है, इधर जो है वो एन आर प्रोड्यूस हो जाता है। एन आर प्रोड्यूस होने से क्या होता है, आपका स्लिप प्रोड्यूस हो जाता है, स्लिप प्रोड्यूस होने के लिए मोटर जो है वो उधर सडनली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसका जो स्पीड है हर वक्त जो कांस्टेंट रहता है, और सिंक्रोनस मोटर के बारे में बता दे रहा हूँ, सिंक्रोनस मोटर एक डबल एक्साइटेड मशीन है, ठीक है, जिसका स्टार्टर को हम देते हैं एसी और रोटर को हम देते हैं डीसी। सिंक्रोनस मोटर का ये जो है सबसे, मतलब डबल एक्साइटेड मशीन, और एक ही डिसएडवांटेज है सिंक्रोनस मोटर का, जो डीसी सप्लाई हम रिकॉर्ड करें, ये वाला क्वेश्चन भी पहले डिस्कशन कर चुका हूँ कि एक डिसएडवांटेज इसका है कि डीसी हम रिकॉर्ड करता है, डीसी उसको देने के लिए एक सेपरेट जो है डीसी जनरेटर यूज होता है, और हम बैटरी यूज कर सकते हैं आज एक्साइटर के तौर से, ठीक है। तो चलते हैं आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर इज यूज टू रन द मोटर एट फुल स्पीड इन द स्टार्ट, ठीक है, इन चारों में से किसका, मतलब फुल स्पीड स्टार्टिंग कंडीशन में फुल स्पीड है दोस्तों, तो है ये है ड्यूअल स्टार्टर। ड्यूअल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है फुल स्पीड स्टार्टिंग कंडीशन में फुल स्पीड में ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है ज़्यादातर 5 HP तक ही यूज होता है, और जो थ्री पॉइंट स्टार्टर ये आपका यूज होता है डीसी मोटर में, ठीक है, डीसी मोटर में आपका 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर और ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर, ये सब आपका मतलब डीसी मोटर में यूज होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर वो आपका स्क्वायर केज मोटर में यूज होता है, ड्यूअल स्टार्टर भी स्क्वायर केज मोटर में यूज होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो 58% वोल्टेज में स्टार्ट होता है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू है इसका 57.7, तो इसको हम 58 लेते हैं, ठीक है, और लगभग आपका यूज होता है 40% वोल्टेज तक, ठीक है, 40% वोल्टेज से आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर स्टार्ट होता है। स्टार डेल्टा आपका 58% से स्टार्ट होता है, ड्यूअल स्टार्टर फुल लोड में स्टार्ट होता है, ठीक, मतलब फुल वोल्टेज में स्टार्ट होता है। तो इसके साथ आज की सेशन को यही रखते हैं, कोई डाउट रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसका मैं आपको अगली सेशन में बता सकता हूँ। तो अगर आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, चाहे आप उधर से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट होकर होता रहेगा।
तो आज की सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।